बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी। आप देख रहे हैं एमएम न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद I9 से बराह रास्त। नाज़रीन, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन के इंतखाबात जारी हैं। ये रेफरेंडम है 2020-2021 और ये रेफरेंडम तकरीबन हर 3 साल बाद होता है, लेकिन आज जो रेफरेंडम होने जा रहा है ये 5 साल के बाद रेफरेंडम हो रहा है। फूल ग्रुप और शाहीन ग्रुप के दरमियान जो है वो मुकाबला जारी है, अभी वोटिंग हो रही है, 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी, उसके बाद नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। फूल ग्रुप के जो यहाँ पर सरकर्दा रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, और लाला अयाज साहब से बात करते हैं जी, फिर उसके बाद हम जाएंगे शाहीन ग्रुप की तरफ। लाला जी, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है आपका जी, और क्या समझते हैं आप, क्या होप है आपको? माशाल्लाह, पिछली दफ़ा भी हम CBA थे, लेकिन जो CBA थे वो 200 में डिवाइड हो गई थी, तो हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब, तो इस दफ़ा वो उन्होंने अपना एक पैनल बनाया फूल का, तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनकी अच्छी मकबूलियत है और वर्कर्स के दिल में उनकी अच्छी जगह है, ठीक है। तो उम्मीदें हमारी इंशाल्लाह वाबस्ता हैं, इंशाल्लाह CBA बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। ये कितने लोग हैं आपके जो वोटर्स हैं, ये कितने हैं? तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 11,500 वोटर थे हमारा। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर्स का आज जो इलेक्शन हो रहा है ये पूरे पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनका हो रहा है? जी जी, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तकरीबन हमारी 62-63 पोलिंगें हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस टाइम आज के दिन जहाँ कहाँ वोटिंग हो रही है, शाम 5 बजे तक चलती रहेगी, फिर पूरे पाकिस्तान से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लाला यार साहब, ये बताएं क्लीन स्वीप करेंगे? इंशाल्लाह क्लीन स्वीप, उम्मीद तो क्लीन स्वीप की है, लेकिन वो भी पूरा पुरानी यूनियन है, लेकिन फिर भी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे। मुकाबला बराबर का है? नहीं, पिछली दफ़ा जो हमारा था तो तकरीबन 400-500 वोट तक से हम जीते थे, और तकरीबन आधो आध का मुकाबला हुआ था, इस दफ़ा उम्मीद उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इस सिलेक्शन के हवाले से, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इंशाल्लाह ताला जी, हमें फ़ख्र है कि हम सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो सैयद ज़ात हैं, तो इस्लामी नज़रियात से भी हमारा हक बनता है कि सैयद के साथ चलें, तो इसलिए मुझे फ़ख्र है कि मैं सैयद आरिफ हुसैन शाह का एक वर्कर हूँ, उनका गुलाम हूँ अदना सा, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने उनको वोट दिया है। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये इंतखाबात जो है रेफरेंडम जारी है, 5 बजे इसकी पोलिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब हम शाहीन ग्रुप की तरफ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन जो है, पोलिंग बूथ जो है, ये शाहीन ग्रुप का है, और अभी हमने फूल ग्रुप वालों से बातचीत की, मेरा कैमरा बराह रास्त आपको ये तमाम मनाजर दिखा रहा है, और अभी जो यहाँ इनके सरकर्दा कायदीन हैं शाहीन ग्रुप के, उनसे बात होगी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो शाहीन ग्रुप है इनके इस पोलिंग स्टेशन पर बहुत सारी रौनक मैं देख रहा हूँ, और अभी हम इनके कायदीन से भी बात करेंगे। ये रेफरेंडम है जो आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन के दरमियान जो है वो जारी है। 2 ग्रुप है, एक है फूल ग्रुप, दूसरा ग्रुप है शाहीन ग्रुप। तो अभी हम शाहीन ग्रुप की तरफ चलते हैं और आपको साथ साथ ये तमाम मनाजर बराह रास्त हम दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है वो इंतखाब है, यहाँ पर इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, और साथ साथ ये रेफरेंडम तकरीबन 3 साल के बाद होता है, लेकिन अभी मुझे जैसा कि पता चला है कि 5 साल के बाद ये रेफरेंडम जो है वो हो रहा है। और अब हम चलते हैं जनाब अंदर पोलिंग स्टेशन की जानब, और वहाँ पर जो वोट कास्ट हो रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, और तकरीबन 50 मिनट के बाद जो है ये पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग होगी, और जीतने वाले जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनसे फिर इंशाल्लाह ताला बातचीत करेंगे। और शाहीन ग्रुप के इस वक्त जनाब ये मरकज़ी जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। रेफरेंडम आपका हो रहा है इस वक्त, तो क्या उम्मीदें हैं शाहीन ग्रुप को? इंशाल्लाह जी, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से मज़दूर हमारे साथ हैं, हमारे मैनिफेस्टो पे अमल कर रहे हैं, और हमारा फर्स्ट एजेंडा है डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट को मुस्तकिल करवाने का, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम क्लीन 80-20 का हमारा मुकाबला है, और हमारा हमारे कायदीन पे, हमारे लोगों पे लोगों का एतमाद है। आपने देखा भी होगा हमारा भी पोलिंग स्टेशन का, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम विन करेंगे। तरजीहात क्या है सर? तरजीहत फर्स्ट मैनिफेस्टो हमारा यही है, फर्स्ट है कि डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट हमारे 20 साल से 15 साल से लोग बैठे हुए हैं, और उनको मुस्तकिल करवाने का हमारा फर्स्ट एजेंडा है। बाकी प्रमोशनें हैं, हज पॉलिसी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट एजेंडा डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट को है। आपके चैनल के तसल से मैं
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूँगा कि हमारे 20-20 साल से लोग बैठे हुए हैं 16-17 हज़ार रुपये इस महंगाई के दौर में तनख्वाह ले रहे हैं, और उनको रेगुलर किया जाए, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी यही बात है। मतलब आप अपने जो मजदूर भाई हैं उनकी वेलफेयर जो है उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं? जी जी, हमारा यही है, हमारा मिशन है, हमारा सोचना जो उड़ना छोड़ना यही है कि मज़दूरों की फलाह हो, गरीब बंदों की फलाह हो, उनका जीना आसान हो इस महंगाई के दौर में। अब 16-17 हज़ार रुपये पे आप देखें किस तरह एक ख़ानदान अपने माँ बाप बच्चों बहुत मुश्किल है, उस लिए गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि फ़र्स्ट प्रायरिटी है हमारा यही है, मज़दूरों का मुतालबा कि जीतने के बाद भी इंशाल्लाह हमारा यही मिशन है कि उनकी मुस्तकली के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, आपने ये जो इंतखाबी निशान है ये खुद से चूज़ किया या इलेक्शन जो कमेटी आपकी बनी थी उसने आपको ये दिया है? ये इलेक्शन कमेटी का भी था, और हमारा पिछले रेफरेंडम में 5 साल हमारा ये मुस्तकिल निशान है शाहीन, और हम शाहीन पे इंशाल्लाह लड़ते हैं हमेशा से, ये हमारा अपना निशान है। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। भाई साहब क्या कहेंगे ये आपने क्या किया, उस पोलिंग स्टेशन पर बंदा ही कोई नहीं और आपके पोलिंग स्टेशन बने हैं, क्या वजूहत? बस ये मेरे मालिक की मेहरबानी है कि हम पिछले कोई 10-12 साल CBA रहे हैं इस यूटिलिटी स्टोर में, तो यूटिलिटी स्टोर के अंदर जितनी मराहत भी मिली हैं मज़दूरों को वो हमारे दौर में मिली हैं, जिसमें हमने डेस्क के लिए एक मज़दूर को 12 लाख रुपए हम अपने तौर पर दे रहे थे, बेवा के घर भेज रहे हैं, रिटायरमेंट पर 12 लाख, ये ट्रेड यूनियन की तरफ से 2 मराहत जो हमने इनको दी हैं, और सीलिंग इनको हमने लेकर दी, बच्चा जो किसी डेस्क के सुना बच्चा हो बेटी हो वाइफ हो वो लेकर दी, हज पर लोगों को भेजा, 20% अलाउंस लोगों को लेकर दिया, मतलब बहुत सारी मुराद हमने लोगों को दे दी। इस वक्त 400 बेवाएँ और 495 बच्चे पेंशन ले रहे हैं, जो खासतौर हमने कानून बनवाया अपने वेलफेयर फंड से, तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी हुई हैं तो मेरे मालिक ने मेहरबानी की है और लोगों ने भी उसके साथ हमारे साथ तावन किया है, तो इंशाल्लाह हम रेफरेंडम विन करेंगे, और हम महंगाई के तनासब से हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करेंगे कि मज़दूरों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और इनके दरीना मसाइल हल किए जाएँ, कि बड़े अरसे से कई बच्चे ऐसे हैं जो 92-93 से रेगुलर नानी डेली वेज हुए हैं, इनकी 17 हज़ार तनख्वाह है, तो हमारी पहली कोशिश है कि ये बच्चे किसी तरीके से कंट्रैक्ट पर आ जाएं या रेगुलर हो जाएं, इनकी सैलरियाँ बेहतर हो जाए। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, पोलिंग सुबह कितने बजे शुरू हुई थी जी? 9 बजे सर। और कब तक जारी रहेगी? शाम 5 बजे तक। 5 बजे तक कितने वर्कर्स हैं ये आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन में, कितने वर्कर हैं पूरे पाकिस्तान में? तकरीबन 13 हज़ार पे 13 हज़ार है तकरीबन एम्प्लाईज उनसे, ठीक है, आल पाकिस्तान के। आज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं? वो आल पाकिस्तान में हो रहे हैं जी। ठीक है, और ये रेफरेंडम किस कदर अहमियत का हामिल है, यानी एक अरसे के बाद होने जा रहा है ना, 5 साल तो क्या अहमियत है इसकी, खास करके आपके लोगों के लिए जो आपके मजदूर भाई हैं उनके लिए किस कदर अहम है, क्या क्या उम्मीदें हैं उनकी? देखें जी, पहले तो रेफरेंडम 2 साल होते थे, ये रेफरेंडम बाद वजूहत की कोरोना की वजह से 5 साल बाद हो रहे हैं, और बदकिस्मती से जो 5 साल तक CBA हम पे मुसल्लत रही है उन्होंने एक टगे का एक कोई भी काम नहीं किया, ये उसका रिएक्शन है कि लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, और उनके आपने देखे हैं कैंप खाली हैं, और पूरे पाकिस्तान में यही ट्रेंड चल रहा है, तो ये हमारे पिछले दौर के काम है, जैसे राज साहब ने बताया, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने, और यही वजह है कि उनसे लोग नालाह हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करवाए, और हमारा माजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम हमने करवाए हैं, तो ये लोगों का रिएक्शन है हमारी तरफ, और अल्लाह की मेहरबानी है। मतलब ये है कि शाहीन जो है फूल उठा के प्रवास कर जाएगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको पता है कि फूल के आगे शाहीन जो है ना वो ज्यादा ताकतवर है। मैं वही कह रहा हूँ कि फूल उठा के शाहीन प्रवास कर जाएगा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ठीक है, अभी पोलिंग का अमल जारी है जी, पोलिंग आप आए ना, हम नाज़रीन आपको हम बराह रास्त पोलिंग का अमल भी दिखाते हैं। इस वक्त पोलिंग जारी है और जो इस वक्त शाहीन ग्रुप के रहनुमा हैं वो बड़े मुतमईन हैं, उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह ताला विन हम करेंगे। इसी तरह फूल ग्रुप वालों ने भी हमें कहा कि जी ये मुकाबला जो है वो हम जीतेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इधर यहाँ पर वोटिंग जहाँ पे हो रही है, और हम देखते हैं कि इस वक्त जहाँ पर ये बैठे हुए हैं सारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर, और ये पोलिंग का अमल है, बड़े शफाफ तरीके से पोलिंग जारी है, और तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ख्याल है 45 मिनट के बाद ये पोलिंग का टाइम मुकम्मल हो जाएगा।
और यहाँ पर जो ऑफिसर्स बैठे हैं इनसे भी हम बात करेंगे। सर कैसा रहा पोलिंग का ये सारा सिलसिला? जी बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मुनज़्म और बहुत मुनज़्म तरीके से यहाँ पे आज किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं, किसी किस्म नहीं हुआ, किसी किस्म ठीक है माशाल्लाह। तो ये बताएं सर कि ये अपना अभी 4:15 हुए हैं, 5 बजे खत्म करेंगे इंशाल्लाह जी, 5 बजे तक खत्म हो जाएगी हमारी 90% हो चुकी है। ठीक है नाजरीन, ये देखें जो लिस्ट है उसको चेक किया जा रहा है CNIC को देख के, उसके बाद वोटर को जो है वो प्रॉपर यहाँ पर बैलेट पेपर जो है वो इशू किया जाता है, उसके बाद उम्मीदवार जो है उस जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसके निशान के ऊपर टिक करके वोट जो है वो पोल कर दिया जाता है। 5 बजे के बाद ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी और अब हम चलते हैं बाहर और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि पोलिंग का जो अमल है वो इस वक्त जारी है और ख़ास करके जो इस वक्त शाहीन ग्रुप है, शाहीन ग्रुप जो है वो दावेदार हैं कि उनकी जीत यकीनी है और ये इस वक्त जो राजा मोहम्मद मस्कीन हैं ये इनके मरकजी सेक्रेटरी हैं जनरल, और साथ आबद महमूद जो हैं वो मरकजी सदर के अहदे के लिए खड़े हैं और इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि तकरीबन ये 80-20 का मुकाबला है। आज इधर आ जाएं जी, और ये इस वक्त मेरा कैमरा दिखा सकता है कि ये इस वक्त पोलिंग का ये एरिया है और बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पे पोलिंग जारी है, फ्रेंडली माहौल में ये पोलिंग जारी है, किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया दोनों तरफ से नहीं आया चूँकि ये सब यहाँ पर एक जगह पर काम करने वाले भाई हैं। सिर्फ पोलिंग के वक्त थोड़ा सा जब ग्रुप बनते हैं तो डेफिनेट सी बात है दो ग्रुप जो है वो वक्ती तौर पर अलग अलग होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर ये तमाम लोग जो हैं फिर एक हो जाते हैं। इस वक्त देखें कारकुन जो हैं वो नारे लगा रहे हैं, खुशी से महसूस हो रहे हैं और इस वक्त राजा मस्कीन साहब जो उनके नारे लगाए जा रहे हैं, साथ साथ आबद महमूद जो हैं ये मरकजी सदर के लिए उम्मीदवार हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस इलेक्शन का जो है वो नतायज वो 5 बजे के बाद आएंगे। और नाज़रीन ये कुछ ताज़ा तरीन था, ये आल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इंतखाबात रेफरेंडम जो है वो इस वक्त जारी है और 5 बजे ये ख़त्म हो जाएगा, 5 बजे के बाद रिजल्ट आएंगे, फिर उसमें काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि कौन से उम्मीदवार वो जीते हैं। लेकिन इस वक्त जो दावा है वो शाहीन ग्रुप की तरफ से है कि इस वक्त राजा मस्कीन जो हैं उनके हक में यहाँ पे लोग का कहना है कि वो जीतेंगे। तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला 5 बजे जब ये रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के नतायज से पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट जो हैं वो जीत चुके हैं। नाज़रीन ये कुछ ताज़ा तरीन था वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद I9 से, जो आप बराह रास्त MM न्यूज़ से देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह सुबहाना तआला आपका निगेबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।